हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो ये 2700-2800 के करीब चलता था और अब 2500-2600 के करीब। तो ये एक स्टेबल 6 महीने से स्टेबल चल रहा है और नीचे के लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा और वेट करना चाहिए और यहाँ से नीचे आता है तो उसी टाइम लीजिएगा। इनका फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं, प्लस कंपनी ने 25 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो इसी के बारे में जानेंगे। और इसका अगर आप 5 ईयर्स का भी चार्ट देखेंगे तो 2016 में 1590 के करीब आया था और लेने का जो स्टॉक है ये 2200 के करीब एक अच्छा मौका लगता है लेने का। और थोड़ा नीचे आता है तो नीचे के लेवल पे देखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिहाज से देखिए, जब रैली आएगी 2700-2800 तक ये स्टॉक जाता है तो प्रॉफिट भी आप इजीली बुक कर सकते हैं। और ये कंपनी है मॉन्सेंटो इंडिया लिमिटेड, 2465 के ऊपर आज क्लोजिंग थी। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं और 25 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो भी हम जानेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो ये आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, 4311 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसका अगर आप मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो 132 करोड़ का टोटल इनकम था, लास्ट क्वार्टर में 161, जो कि डाउन हुआ है 30 करोड़ से। और नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 22 करोड़ का है और लास्ट क्वार्टर में 38.95, तो थोड़ा इफेक्ट गिरा है, तो उसका असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। प्लस आप देखेगा जहां ये बाउंस मारेगा उस टाइम पे आप देखेगा इस स्टॉक को कुछ लेने का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है। इसके अंदर देखेंगे तो 25 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया और जो रिकॉर्ड डेट रहता है वो 12 जून से लेके 14 जून 2019 ये बुक क्लोजर डेट है, तो यही रिकॉर्ड डेट है। और इससे एक दो दिन पहले, मान लीजिए 10 तारीख 11 तारीख एक्स डेट रहता है, तो इसके पहले आपके डीमैट में होना ज़रूरी है ताकि आप एलिजिबल रहो डिविडेंड के लिए। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।